Hello students, we will start our lesson number 3. So the name of lesson 3, Cleanliness and Healthy Habits. Student, lesson number 3 ka name hai Cleanliness and Healthy Habits. Student, cleanliness means swachhata. Swachhata means saaf safai. Hamare aas paas na saaf safai honi chahiye, okay? Then healthy habits. Healthy habits means achhi aadatein. ओके सो स्टूडेंट इस चैप्टर में जैसे कि हमें ना एक अच्छी लाइफ अच्छा जीवन जीने के लिए हमें ना कुछ हेल्दी हैबिट्स होती हैं उन्हें फॉलो करना है और बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है ओके तो स्टूडेंट हम देखेंगे सब हेल्दी हैबिट्स फर्स्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे स्टूडेंट हमें दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट ओके देन टेक अ बाथ एवरी डे और हमें हर दिन नहाना चाहिए ओके देन थर्ड कवर अवर माउथ विद मास्क और बेटा हमें अपने माउथ को मास्क से कवर करना चाहिए ओके देन फोर्थ सैनिटाइज अवर हैंड व्हाइल यू आर गोइंग आउटसाइड और जब बेटा आप घर से बाहर जाते हैं या कहीं बाहर से आते हैं तो अपने हाथ को क्या करना है आपको सैनिटाइज करना है किसी भी चीज को टच करने के बाद भी आपको अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना है ओके देन फिफ्थ ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली और बेटा आपको ना क्या करना है अपने नेल्स को रेगुलरली जब वो ग्रो हो जाते हैं उन्हें कट करते रहना है ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ओनली 5 हेल्दी हैबिट्स पढ़ी हुई है बाकी की और भी जो गुड हैबिट्स हैं हेल्दी हैबिट्स हैं हम अपनी बुक से स्टार्ट करेंगे ओके बुक में पढ़ेंगे सो नाउ स्टूडेंट लेसन नंबर 3 क्लीनलीनेस एंड हेल्दी हैबिट स्टूडेंट्स फॉर लिविंग अ हैप्पी एंड एक्टिव लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन शुड स्टे अवे फ्रॉम द बैड हैबिट्स बेटा हमें अच्छी लाइफ और हैप्पी लाइफ खुशी जीवन में ये बहुत ज़रूरी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ना जो बुरी आदतें होती हैं बैड हैबिट्स जो होती हैं उनसे हमें दूर रहना है टू अवॉइड डिसीजेज वी शुड फॉलो सम गुड एंड हेल्दी हैबिट्स बेटा हम बैड हैबिट्स से दूर रहेंगे अवॉइड करेंगे बैड हैबिट्स को तो हम ना बीमारी से बचेंगे ओके तो हमें बीमारी से बचने के लिए यहाँ पर कुछ हेल्दी हैबिट्स दी हुई है उन्हें फॉलो करना है ओके सो सम हेल्दी हैबिट्स यहाँ पर कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं उनको देखेंगे फर्स्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे स्टूडेंट आपको क्या करना है दिन में 2 टाइम ब्रश करना है ट्वाइस मीन्स 2 टाइम ओके इट विल हेल्प इन कीपिंग योर टीथ ब्राइट एंड शाइनिंग और आप 2 टाइम ब्रश करेंगे तो क्या होगा आपके जो टीथ हैं वो ब्राइट अच्छे रहेंगे व्हाइट रहेंगे और शाइन करेंगे ठीक है और उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे देन सेकेंड इज टेक अ बाथ एवरी डे आपको हर दिन नहाना चाहिए रोज नहाना चाहिए ओके इट विल हेल्प इन अवॉइडिंग एलर्जीज एंड इन्फेक्शन और आप डेली नहाएंगे रोज तो क्या होगा आपको कोई भी एलर्जीज नहीं होंगी कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा ओके देन नेक्स्ट ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली और बेटा आपको क्या करना है अपने नेल्स को रेगुलरली कट करना है ओके हर संडे आपको अपने नेल्स कट करने हैं इट विल हेल्प यू टू स्टे हेल्दी इससे क्या होगा आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे इन अनट्रिम्ड नेल्स वेस्ट डिपॉजिट एंड इट कैन गो इन योर स्टमक विथ फूड वाइल ईटिंग और बेटा अनट्रिम नेल्स जब आपके होते हैं अगर आप अपने नेल्स को रेगुलरली कट नहीं करेंगे तो क्या होता है उसमें क्या होता है आपके नेल्स में गंदगी जो है वो अंदर भर जाती है और फिर वो जो गंदा जो डिपॉजिट वेस्ट डिपॉजिट जो होता है वो जब आप खाना खाते हैं ना कोई भी फूड को खाते हैं तो वो खाना खाते टाइम आपके स्टमक में पहुंच जाता है और उससे फिर क्या होता है आप बीमार पड़ जाते हैं आपको बीमारियाँ हो जाती हैं ओके देन स्टूडेंट ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड स्टूडेंट आपको ना हमेशा फ्रेश और क्लीन खाना खाना है इट हेल्प इन योर ग्रोथ
और आप क्लीन और फ्रेश फूड खाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ जल्दी बढ़ेगी, आप जल्दी बड़े होंगे, आपकी हाइट भी अच्छी होगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी. ओके, देन स्टूडेंट थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन. आपको हमेशा कचरा कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है. ओके, आप कचरे को डस्टबिन में फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, इट हेल्प्स इन कीपिंग यूर सराउंडिंग क्लीन एंड हाइजेनिक. आप डस्टबिन में कचरा फेंकेंगे तो उससे आपके आसपास का जो वातावरण है वो क्लीन और स्वच्छ होगा. ओके, देन व्हाइल स्नीजिंग कवर योर माउथ विथ अ क्लीन क्लोथ. और जब आपको छींक आती है या खांसी चलती है तब आपको अपने माउथ को कवर करना है क्लीन क्लोथ से. ओके, इससे क्या होगा, इट विल नॉट स्प्रेड इन्फेक्शन इन योर सराउंडिंग. जब आपको स्नीजिंग आती है तब आपको ना अपना माउथ को कवर करना है. क्यों करना है, क्योंकि जैसे आपको छींक आती है तो इन्फेक्शन जो है वो आसपास चारों ओर फैले ना. ओके, देन कीप योर हेयर क्लीन एंड कॉम देम एवरी डे. और फिर आपको क्या करना है, आपको ना एवरी डे अच्छे से हेयर कॉम करना है और अपने हेयर को क्लीन भी रखना है. ओके, इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू लुक स्मार्ट. और आप अपने हेयर को क्लीन करेंगे, हेयर कट करवाएंगे रेगुलरली, है ना, और आपके जो हेयर है उन्हें वॉश करेंगे तो इससे क्या होगा, आप ना बहुत स्मार्ट दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे. ओके, देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. और क्या करना है आपको बेटा, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है. ओके, इससे क्या होगा, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड कीप यूर फिट एंड हेल्दी. और इससे क्या होगा, आप ना इन्फेक्शन से सुरक्षित रहेंगे और हमेशा फिट और हेल्दी रहेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हेल्दी हैबिट्स है वो आपको फॉलो करना है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने जो हेल्दी हैबिट्स पढ़ी हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, सम बैड हैबिट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड टू स्टे हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए यहाँ पर कुछ बैड हैबिट्स हैं, उन्हें अवॉइड करना है. अवॉइड करना है मीन्स उनसे हमें दूर रहना है. तो फर्स्ट बैड हैबिट इज डू नॉट बाइट योर नेल्स. बाइट मीन्स अपने टीथ से नहीं काटना बेटा. सेकेंड इज डू नॉट स्पाइट ऑन द फ्लोर. और आपको कभी भी फ्लोर पर थूकना नहीं है. थर्ड इज डू नॉट ईट और ड्रिंक अनकवर्ड फूड एंड वाटर. और बेटा आपको ना कभी भी अनकवर्ड बिना ढका हुआ फूड और बिना ढका हुआ वाटर नहीं पीना है. ओके, देन फोर्थ इज डू नॉट लिक योर फिंगर आफ्टर ईटिंग. देन स्टूडेंट आपको ना ईटिंग करने के बाद आपको अपनी फिंगर्स को चाटना नहीं है. ओके, तो यहाँ पर ये जो बैड हैबिट्स हैं इन्हें हमें अवॉइड करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है. ओके, इस चैप्टर में हमने हेल्दी हैबिट्स पढ़ी है, तो आपको ये जो हेल्दी हैबिट्स हैं इन्हें क्या करना है, फॉलो करना है. ओके, और जो बैड हैबिट्स हैं उनसे उन्हें हमें अवॉइड करना है.